Thanks, sir. Morning. How are you, sir? Fine. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें. मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ. क्या नाम है और कहाँ से आते हैं, कौन सा डे है लर्न करने के? हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग. क्या नाम है आपका? हाय, माई सेल्फ सचिन शर्मा फ्रॉम लखनऊ, फरीदी नगर, इंदिरा नगर से. कौन सा डे आज आपको लर्न करना है? आज मेरा सेकंड डे है. सेकंड डे. फर्स्ट डे क्या सीखा था आपने? फर्स्ट डे हमने एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और गाड़ी का बैलेंस और फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार चलाना. एग्जैक्टली. तो आज स्टार्ट करते हैं. हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज होती है जिनको पहले समझ लें. सबसे पहले कार में हम बैठते हैं, तो कार में बैठते सबसे पहले हम अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं. और सीट का कैसे कन्फर्म होता है, पहले आप क्लच दबा के देखते हैं दो तीन बार क्लच दबाइए छोड़िए. इसका अगर आपका पैर कंफर्टेबल है तो सीट आपकी डायरेक्शन से है. अगर पैर आपका आगे पीछे हो रहा है, सीट पूरी तरीके से नहीं सेट हो रही, तो आप सीट एडजस्ट. बट मेरे हिसाब से आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सीट सही है. ठीक है, अब आप सीट बेल्ट डालिए. राइट साइड के शोल्डर से सीट बेल्ट लाइए. सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है, ये अपनी सुरक्षा के लिए होती है. आराम से ऊपर वाली पट्टी खींचो. हाँ, बहुत प्यार से खींचोगे तभी आएगी, झटके से खींचोगे तो नहीं आएगी. ओके सर. पुश कर दीजिए, हो गया. ठीक है, अब अपने राइट वाले ORBM को चेक करिए प्रॉपर. राइट वाले ORBM को, जो राइट वाला शीशा उसमें देखिए, आपको प्रॉपर दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है. अब इस लेफ्ट वाले ORBM को चेक करिए. Exactly. ये अब इस लुकिंग ग्लास को सेट कर लीजिए. कार को चलाने से पहले आपको बैक साइड का पूरा दिखना चाहिए. अब कम से कम 5 से 10 बार क्लच को दबाना है और फिर धीरे धीरे रिलीज करना है टो वाले पॉइंट से. आपका जो पैर का टो है, अंगूठे वाला पॉइंट, तो उससे दबाना है और रिलीज करना है 1 2 3 4 5 करके. दबाना अचानक है, पर रिलीज करने टाइम आपको 2-3 चीजें याद रखना कि कभी भी झटके से क्लच नहीं छूटना चाहिए, कभी टुकड़ों में क्लच नहीं छूटना चाहिए. क्लच का 1 2 3 4 5 करके इक्वल प्रेशर से. ठीक है, ये हो गया. अब राइट वाले पैर से आप प्रैक्टिस कर लीजिए वी बनाना, एक्सेलेटर टू ब्रेक, एक्सेलेटर टू ब्रेक, उससे वी बनाना 5 से 10 बार. एड़ी आपकी नहीं उठनी चाहिए, बस आपका पैर वी बनना चाहिए. उससे क्या है कि आपको कभी भी झटके से या कभी भी ब्रेक की जगह एक्सेलेटर नहीं दबेगा. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब करते हैं हम कार को स्टार्ट. तो स्टार्ट करने के लिए पहले ये चेक करना है न्यूट्रल. ये गियर में है ऑलरेडी, इसको कर दिया न्यूट्रल ये. ठीक है, ये अगर इस तरीके से फ्री है लेफ्ट टू राइट तो ये न्यूट्रल है. अब हमें क्लच फुल दबाना है और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना है. कार का इंजन ऑन करना, पहले इग्निशन हाफ स्विच काटना है. हाफ स्विच आगे घुमाओ, स्विच वहीं से, की बात कर रहा हूं मैं. हाँ, अब इग्निशन ऑन हो गया. ये रेड कलर की लाइटें आने के मतलब इग्निशन ऑन हो गया. अब एक बार आपको क्लच दबा के ही फिर इंजन को ऑन करना. चाबी को आगे घुमा के रखो. इंजन ऑन हो गया, अब आप क्लच को रिलीज कर सकते हैं. क्योंकि अभी जितनी लेटेस्ट गाड़ियां आ रही 2018 के बाद, विदाउट क्लच स्टार्ट ही नहीं होती है. स्टार्ट नहीं होती, तो क्लच दबाना सेफ्टी पर्पज है. अब देखो आपके डिस्प्ले में कोई दो सिंबल आ रहे हैं. एक आपका आ रहा है फ्यूल का, कि आपकी गाड़ी में रिजर्व लग चुका है. येलो लाइट आने का मतलब अब आपकी गाड़ी ज्यादा नहीं चल पाएगी, मैक्सिमम 60 से 70 किलोमीटर चल सकती है. अब आपको फ्यूल डलाना है. दूसरा आ रहा है हैंड ब्रेक का रेड वाला. तो हैंड ब्रेक यहाँ पे ऑन है, तो ऊपर उठा के बटन दबा के नीचे ले जाओ. पहले ऊपर खींचो हैंड, अब बटन दबाओ, अब नीचे ले जाओ. अब वो सिंबल हट गया. अब आपको करना है राइट का सिग्नल. नीचे को इंडिकेटर दो. गुड, नहीं हुआ. सिग्नल इसलिए देना जरूरी ताकि पीछे से आने वाले लोग क्लियर हो जाएं, कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी चलने जा रही है. अब आपको पूरा क्लच दबा के डालना फर्स्ट गियर. तो गियर लीवर को पहले मेरी तरफ लेके आओ. अब ऊपर, ये हो गया फर्स्ट गियर. अब राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा, लेफ्ट वाला क्लच पे रहेगा. और इसको छोड़ दो, स्टीयरिंग पकड़ लो. और आपको स्टीयरिंग 3 और 9 पे पकड़ो. गलत डायरेक्शन से पकड़ोगे तो पहिया घूम जाएगा. अब आपको धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है. धीरे धीरे सीधा चलना है हमें, स्ट्रेट. हाँ, उससे हेडलाइट ऑन होती है. अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो. हाँ, धीरे धीरे. अब वापस अपना लेफ्ट आओ धीरे धीरे, क्योंकि राइट में आपके बच्चे जा रहे थे बहुत सारे. हाँ, बस अब क्लच को फ्री कर दो. हाँ, अब सिग्नल भी बंद कर दो, क्योंकि टर्निंग पे ऑटो कट हो जाता है. सीधा सीधा जब आप सिग्नल देते हो तो ऑटो कट नहीं होता है. अब आपको क्या करना है, हल्का सा लेना है एक्सेलेटर. गाड़ी अपनी लेफ्ट में ही रखो. लेफ्ट में ही रखो, जितना लेफ्ट रखोगे ना उतना सेफ रहोगे आप. और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ. अब जैसे सपोज करो, और लेफ्ट आओ डियर, आप लेफ्ट आ ही नहीं रहे. हाँ, अब यहाँ पे पूरा क्लच देन ब्रेक. पहले फुल क्लच दबाओ जल्दी से. अब हल्का सा ब्रेक लो, हल्का सा ब्रेक. ब्रेक है सर. हाँ, दोनों दबा के रखना. आपने
क्लच फुल लिया और हल्का सा ब्रेक लिया, कार का इंजन फ्री हो गया, क्लच से इंजन फ्री होता और ब्रेक से जो आपकी कार चल रही थी वो रुक गई। बट अभी गाड़ी ऑलरेडी आपकी फर्स्ट गियर में है, लेकिन फर्स्ट गियर में होने के बावजूद भी इंजन फ्री है, क्यों? क्योंकि आपने फुल क्लच ले लिया। क्लच के दो पैटर्न होते, एक होता फुल क्लच, एक होता हाफ क्लच। हाफ क्लच वहां लेना होता है जैसे किसी स्पीड ब्रेकर पे कार को आप निकाल रहे हो तो गाड़ी को धीमा, मतलब 50% इंजन को फ्री कर देना, 50% एक्टिव रखना है, तो वहां हाफ क्लच यूज करते हैं। अगर हमें पूरी तरीके से इंजन और गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना तो उसके दो तरीके होते, एक होता पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लो, एक होता क्लच दबा के ब्रेक लेके और गियर लीवर को फ्री कर दो, न्यूट्रल कर दो। तो अभी क्या है ना, गाड़ी ऑलरेडी फर्स्ट गियर में क्योंकि हमें चलना है, तो अब हमें क्या करना है, पहले क्लच, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी स्लोपिंग है, क्या है, हल्की सी स्लोपिंग, तो अगर यहाँ पे आप ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल रोड पे क्या होता है, पहले हम ब्रेक रिलीज करते हैं फिर हाफ क्लच छोड़ते हैं, पर यहाँ उल्टा करना है, यहाँ पे पहले ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले आपको 20% क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, स्टीयरिंग सही से पकड़ो ब्रदर, 3 और 9 जो वॉश टाइम होता है। अब जब इंजन वाइब्रेट करने लगेगा अब ब्रेक छोड़ो। अब देखो आपने ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं गई, इससे पहले आपने ब्रेक छोड़ा था तो थोड़ी सी गाड़ी पीछे की तरफ गई थी, क्यों? क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि यहाँ पे स्लोपिंग है। ये चीज हमें तभी पता चलती जब हम ब्रेक को रिलीज करते, गाड़ी हमारी आगे पीछे भागने लगती, तब पता चलता है कि डाउन हील है या अप हील है। वापस लेफ्ट आ जाओ, मतलब अपनी स्टीयरिंग को लेफ्ट लेके आना है बस। अब क्लच को फ्री करो भाई, क्लच को फ्री करो, आपने वापस दबा लिया, चलो अभी स्पीड मेंटेन करो, हल्का सा एक्सेलेटर से स्पीड मेंटेन करो, हाँ, और बढ़ाओ स्पीड, और अब एक्सेलेटर से पैर हटाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट लेफ्ट लाके छोड़ो। हाँ, अब क्या नाम बताया था आपने अपना? सचिन जी, देखो आपने फिर अभी एक गलती करी, कल मैंने आपको इसके बारे में बहुत बारीकी से बताया था कि माई डियर जब आप क्लच दबाते हो तो आपका पैर जो है डेट पैंडल पे नहीं फंसना चाहिए, आप 100% ताकत लगाते हो, 50% कट जाती है। अभी आपका पैर फिर डेट पैंडल पे फंस गया था, तो आपको लगेगा आपने पूरी ताकत लगाई बट आपका क्लच पूरा नहीं दबेगा, जिसके कारण आपका सही से गियर नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए आप राइट दबाओ, हल्का राइट राइट और राइट दबाओ। इसके लिए आप जब भी क्लच दबा रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका पैर डेड पैंडल पे अटक तो नहीं रहा है, तो इसलिए अपने पैर को हल्का सा क्लच पे सही पोजीशन पे रखना है, स्टीयरिंग दोनों हाथ से पकड़ो। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आए, कुछ नहीं करना है आपको, क्लच और ब्रेक पे पैर रखो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड गियर में विदाउट एक्सीलेटर कार आपकी 10 टू 15 की स्पीड में चलती ही रहती है। अभी आप सेकंड गियर में हो बट आपकी जो स्पीड है वो 10 माइनस है, क्योंकि जो इसका इंजन का आरपीएम होता है 0 to 10 पे गाड़ी ऑलरेडी मूव करती रहती है। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार को एक बार मूव कर लेते हैं, उसके बाद आप पूरी तरीके से क्लच और ब्रेक को फ्री कर देते हैं, तो भी आपकी कार धीरे धीरे 10 टू 15 की स्पीड में मूव करती रहती है, कार बंद होने के कोई चांसेस नहीं है। ये चीज बाइक और स्कूटी में लागू नहीं होती है, बाइक और स्कूटी में एक कदम भी गाड़ी बिना एक्सेलेटर के नहीं चलती है, पर फोर व्हीलर में चलती है, क्योंकि कार में सारे कंट्रोल आपके पैरों में होते हैं, बाइक में एक्सीलेटर आपके हाथ में होता है, इसलिए। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी, जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कहीं पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे ब्रेक की जरूरत है, तो आप ये चीज अपने माइंडसेट से हटा दो कि नहीं, एक्सीलेटर भी लेना जरूरी है। फर्स्ट एंड सेकेंड गियर में ही कार सीखी जाती है, थर्ड और फोर्थ गियर फिफ्थ गियर तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग, हाईवे पे कभी कार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बारीकियां हैं, जो छोटी छोटी चीजें, वो आपको गलियों में सीखने को मिलती हैं। जितना ज्यादा हम गलियों में कार चलाते हैं, जितना सिंगल रोड पे कार को चलाते हैं, जितना चीजें सामने वाले ट्रैफिक को फेस करते हैं ना, उतना ज्यादा हमें नॉलेज मिलता है। और अपनी कार अपना लेफ्ट ही सटा के रखना, इसलिए ताकि पीछे से आने जाने वाले लोगों को स्पेस मिल सके, क्योंकि पूरा डाइवर्जन इस रोड पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक अभी बहुत ज्यादा होने वाला है। अभी क्या है ना कि जो विगनर्स होते हैं वो पैनिक क्यों होते हैं, घबराते क्यों हैं, क्योंकि वो बिफोर प्लान नहीं करते हैं, बिफोर प्लान नहीं करते हैं। और अगर आप लर्नर हैं और बिगनर हैं तो आपको 100 मीटर 200 मीटर पहले प्लानिंग, फोर व्हीलर ड्राइव करने का मतलब है हम 100 मीटर पहले प्लान करें। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट का सिग्नल देना है ऊपर को, सिग्नल दीजिए। मैंने क्यों 100 मीटर बोला पहले, ताकि आप टर्निंग के टाइम सिग्नल देने की जरूरत नहीं, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, लेफ्ट वाला क्लच पे, क्लच और ब्रेक पे फाइनली पैर होना चाहिए, दबाना नहीं है। क्लच और ब्रेक पे पैर लाने से, ब्रेक पे पैर लाने से जो आपने हल्का सा एक्सीलेटर लिया था वो भी आपका एक्सीलेटर खत्म हो गया। अब आपकी गाड़ी आ गई 10 माइनस बोले तो 0 RPM पे, लॉन्ग हॉर्न पुश करना, यहीं से लेफ्ट टर्न करना है, एक राउंड पूरा घुमाओ, बस एक राउंड
पूरा एक राउंड नहीं हुआ था। अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधा बस, झटके से नहीं। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा एक राउंड, तो आपने आधा राउंड घुमाया। एक राउंड का मतलब ये था कि जो पूरा एक राउंड घूमना सर्कल होना चाहिए था, फिर जब आपने सीधा करा तो आधा राउंड सीधा करा। ऐसे में क्या होता ना कि हमारा जो स्टीयरिंग और टायर, स्टीयरिंग से ही टायरों का मूवमेंट हम सेट कर सकते हैं। हल्का राइट रखो, नीचे नहीं उतारना है, वो हमें नोटिस कर रहा। अब आप यहाँ पे देखो सचिन जी, आपके साथ क्या हो रहा था, आप सामने वाली गाड़ी को देख के पैनिक हो रहे थे, आपको लग रहा था कि मेरी गाड़ी टकरा जाएगी, पर ऐसा नहीं है। हमें सामने वाले से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमें नोटिस कर रहा है, वो हमारी कार की एक्टिविटीज से समझ रहा है कि भाई ये नौसखिया बंदा है, लर्नर है, और इससे 10 कदम दूर रहो। तो भाई मेरे दूध का जला इंसान दही भी फूक फूक के पीता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आपको सामने वाले से डरने की कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ अपना लेफ्ट बचाना है। क्या बचाना है? अपना लेफ्ट बचाना, लेफ्ट से जो लोग ओवरटेक कर रहे हैं उनसे बचना है, और आप जिनको ओवरटेक कर रहे हो उनसे बचना है। सामने वाले की कोई डरने की, घबराहट की कोई जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि वो आपसे ज्यादा ट्रेंड है, वो आपसे ज्यादा नोटिस कर रहा है आपको, है ना। सिंगल रोड की बात कर रहा हूं, डिवाइडर रोड पे तो सामने से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आपका टायर नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि रोड से 1 फीट नीचे डाउन है, तो रोड का कॉर्नर जो है ना, तो वहां से टायर फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जब भी किसी गाड़ी को आप पास दे रहे हो, चाहे बैक साइड से आ रहा हो चाहे फ्रंट से आ रहा हो, तो 2 सेकंड के लिए आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आना जरूरी है। जब भी किसी गाड़ी को आप पास दे रहे हो आने के लिए या जाने के लिए, तो ब्रेक पे पैर इसलिए लाना है कि ब्रेक लगाना नहीं है, हमें एक्सीलेटर से पैर हटाने का एक बहाना चाहिए होता है। एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक के लिए हैबिचुअल होना होता है, है ना। 90% क्या होता है, आप अभी किसी फ्रेंड से या किसी अपने दोस्त या गार्जियन से सीख रहे होते, तो ये जो वी बनाने वाला पॉइंट मैंने बताया ना, ये कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। कार सीखने के बहुत तरीके, लोग क्लच ब्रेक गियर स्टीयरिंग उसी को कहते हैं, 10 साल से चला रहे कि भाई हम तो चला लेते हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं। ब्रेक फेल हो जाए नहीं पता गाड़ी कैसे रोकेंगे, चलती कार में टायर फट जाए नहीं पता उनको कैसे गाड़ी रोकेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं भाई, समझ रहे हो। यस सर। आप किसी प्रोफेशनल से सीखते हो ना, तो वो आपको डीपली चीजें ज्यादा समझाता है। ब्रेक पे पैर रख लो, क्यों बोला मैंने ब्रेक पे पैर रखने, क्योंकि आपके सामने 20 मीटर पे साइकिल वाला जा रहा है, पीछे से तेजी से वो आ रहा होगा, अगर आप पैनिक हो गए कहीं एक्सीलेटर दब गया तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग हॉर्न देना है कंटिन्यूस 2-3 सेकंड तक, ये गलत था, मैंने कहा था कंटिन्यू, आपने तो ये तो छेड़ने वाला हॉर्न बजा दिया। ब्रेक पे पैर रखो, हॉर्न के साथ साथ आपने स्पीड भी अपनी बढ़ा दी थी, पता चला आपको, आपने एक्सीलेटर भी दबा दिया था। और ये कब होता है, जब हम एक्सीलेटर पे पहले से पैर रखे होते हैं, हम घुमा रहे स्टीयरिंग दब गया एक्सीलेटर, दे रहे सिग्नल दब गया एक्सीलेटर, देख रहे हैं लेफ्ट वाले ORBM में दब गया एक्सीलेटर, ये पैनिक कंडीशन में ये सारी चीजें होती हैं। तो जब आपका पैर एक्सीलेटर पे नहीं होगा तो दबेगा, तो क्या दबेगा, ब्रेक। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।